सरकारी योजनाओं को दिन रात मेहनत करके जमीनी स्तर पर पहुंचाने वाले रोजगार सहायकों ने कल दिनांक को कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा होकर जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से रोजगार सहायकों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि छोटी छोटी गलतियों में रोजगार सहायकों को सीधे सेवा समाप्त कर दी जाती है, ऐसा न करते हुए उन्हें निलंबन किया जाए और इसकी प्रक्रिया बनाई जाए, इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाए। ज्ञापन पत्र में रोजगार सहायक संगठन ने उल्लेख किया है कि उन पर काम को लेकर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। आवास की राशि हितग्राहियों के खाते में भेजी जाती है, लेकिन काम का दबाव रोजगार सहायकों के ऊपर बनाया जाता है और प्रगति कम होने पर उन्हें सीधे सेवा से समाप्त कर दिया जाता है। रोजगार सहायक संगठन के जिला अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो मांग आधारित है, उसमें भी जबरन लेबर बढ़ाने का दबाव बनाया जाता है और कम होने पर संबंधित पंचायत के रोजगार सहायकों को अवैतनिक किया जाता है या उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। इस प्रकार तत्काल अंकुश लगाया जाए और अधिकांश पंचायतों में रोजगार सहायकों की पीएलओ कार्य का दायित्व भी सौंप दिया जाता है, जिससे उन्हें मुक्त किया जाए और मांग पत्र में मांग रखी है। ज्ञापन पत्र में रोजगार सहायकों ने उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत में किस कारण से अगर सचिव नहीं है तो पूर्व की भांति गाँव का सचिव प्रभार रोजगार सहायक को दिया जाए। इसके अलावा रोजगार सहायकों ने पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव के कार्य का स्पष्ट विभाजन किए जाने की मांग भी ज्ञापन पत्र में की है। इस दौरान जिले के जयसिंह नगर, भुड़ार, ब्योरी और सुहागपुर तथा गोहपारू के हजारों रोजगार सहायक मौजूद रहे। अगर कहीं पैसे निकाल, कहीं कोई टीवी खरीद लिया, कोई फ्रिज खरीद लिया, कोई लड़के की शादी कर लिया और वो घर नहीं बना रहा है, सेवाएं हमारी समाप्त की जा रही है, तो सर ये कहाँ बन जाए? पैसे किसी और के खाते में दिए जा रहे हैं, सेवाएं हमारी समाप्त की जा रही है। कार्रवाई सिर्फ हम ग्राम पंचायत एजेंसी में सरपंच, सचिव और सबसे में रोजगार सहायक होता है, लेकिन दंडात्मक कार्रवाई की बारी होती है तो सबसे पहले हमको चुना जाता है, बल्कि बकरा सिर्फ हमको बनाया जाता है, उनको नोटिस तक नहीं दिया। न्यूज़ के लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।